Exercise 4.1, simple equations. Simple equations. काफ़ी इजी चैप्टर है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है. सबसे पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल. ठीक है, यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, उसमें लास्ट कॉलम में क्या आएगा उसको देखना है. तो पहला कॉलम में जो है वो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 1, 2, 3, 4. सेकंड कॉलम में इक्वेशन दिया है. थर्ड कॉलम में दिया हुआ है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा. और फोर्थ कॉलम में हमको बताना है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं. अगर तो देखते हैं, एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया हुआ है और एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है. तो एक्स की जगह पर हमको 3 पुट करना है. 3 पुट करने से क्या 0 आ रहा है. 3 प्लस 3 कितना होता है, 6, और ये 0 हो गया. तो ये इक्वल नहीं है. ठीक है, इसलिए ये हो गया. यहाँ पे क्या आंसर आएगा, नो लिखना है. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 और यहाँ पर एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 0. एक्स की जगह पे लिखेंगे 0. 0 प्लस 3 करने से क्या होगा, 3. क्या 3 और 0 इक्वल होता है, नहीं होता है. तो यहाँ पर भी लिखेंगे नो. थर्ड नंबर इसका, एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 और यहाँ पर एक्स का वैल्यू दिया है -3. -3 लिखेंगे एक्स की जगह पे, +3. तो -3 और +3 क्या हो गया, 0 हो जाएगा. -3 और +3 0 होता है, यहाँ भी 0. ये दोनों इक्वल आ गया, तो इसमें लिखेंगे यस. तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है. जिसमें सेटिस्फाई करेगा उसमें यस लिखेंगे, जिसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा उसमें नो लिखना है. क्वेश्चन नंबर 2, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज द सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट. क्वेश्चन नंबर 1 जैसे ही है कुछ कुछ. n प्लस 5 इक्वल टू 19 ये इक्वेशन है और यहाँ पे n का वैल्यू दिया हुआ है 1. n इक्वल टू 1, हमको चेक करना है कि n इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है. तो n इक्वल टू 1 इसमें पुट करके देखते हैं. 1 इसमें अगर पुट करते हैं तो 1 प्लस 5 हो गया 6 और इधर है 19. तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल आ गया. तो इसमें लिखना है नो. बी नंबर 7n प्लस 5 इक्वल टू 19, इसमें n का वैल्यू दिया है -2. पुट करते हैं, 7 इंटू n है, 7n मीन 7 मल्टीप्लाई n. तो n के प्लेस में -2 पुट कर देंगे तो 7 इंटू 2 हो जाएगा 14, माइनस है तो -14. और 14 प्लस 5 होता है 19, लेकिन -14 है इसलिए हमको माइनस करना पड़ेगा. यहाँ पे -14 प्लस 5 होता है -9. तो ये दोनों इक्वल नहीं है, -9 इज़ नॉट इक्वल टू -19. तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा नो. सी नंबर भी देख लेते हैं इसका. सेवन एन प्लस 5 इक्वल टू 19, इसमें n का वैल्यू दिया है 2. 7n मीन 7 मल्टीप्लाई एन प्लस 5 इक्वल टू 19. 7 2 जो हो गया 14 प्लस 5 इक्वल टू 19. 14 प्लस 5 हो गया 19. तो इधर भी 19 है, इधर भी 19 है. LHS और RHS दोनों इक्वल हैं, तो इसमें आ जाएगा यस. अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड. बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है ये, एग्जाम में काफ़ी आता है. ट्रायल एंड एरर मेथड, थर्ड का ए. इक्वेशन दिया हुआ है 5p प्लस 2 इक्वल टू 17. यहाँ पर लिखेंगे सीरियल नंबर. यहाँ सीधा p इक्वल टू लिखेंगे, है ना. b इक्वल टू 1 पुट करेंगे. यहाँ पर इक्वेशन है और यहाँ पर
ये एल एच एस का इक्वेशन है, ये आर एच एस का इक्वेशन है, और येस और नो हमको लिखना है, यहाँ पे फाइंड करना है। जहाँ पर येस आ जाएगा उस वो हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले वन पुट करेंगे 5p प्लस 2 में, 5p p की जगह वन पुट करेंगे तो 5 वन जा 5 प्लस 2 तो आंसर आएगा 5 वन जा 5 प्लस 2 7, इधर है 17 तो ये हो गया 9। फिर 2 पुट करते हैं, 5 टू जा 10, 10 प्लस 2 हो गया 12, यहाँ पे है 17, आर एच एस में 17 है तो 12 और 17 इक्वल नहीं है, इसमें भी लिखेंगे 9। जब तक यस ना आए तब तक हमको करते जाना है। फिर 3 पुट करेंगे, 5 इंटू 3 प्लस 2, 15 प्लस 2 हो गया 17, इधर भी है 17 तो 3 पुट करने से हमारा यस में आंसर आ जा रहा है, देयरफॉर पी इक्वल टू हो जाएगा 3 आंसर। इसी का सेकंड क्वेश्चन जो है बी नंबर, तो देख लेते हैं। इसमें एक क्वेश्चन दिया है 3m माइनस 14 इक्वल टू 4, तो इसमें m का वैल्यू पुट करेंगे, ये LHS हो गया, ये RHS हो गया, और यहाँ पर येस या नो हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले m का वैल्यू पुट करेंगे 1, तो 3 इंटू 1 माइनस 14 करेंगे तो 3 वन जो 3, 3 माइनस 14 होगा माइनस 11, और इधर में आ रही है जिसमें 4 है तो ये 9 आ गया। फिर 2 पुट करेंगे तो 3 टू जा 6, 6 माइनस 14 हो गया माइनस 8, यहाँ पे 4 है इसमें भी 9 आ गया। फिर 3 पुट करेंगे तो 3 इंटू 3 9, 9 माइनस 14 हो जाएगा माइनस 5, यहाँ पर 4 है तो ये भी 9 हो गया। फिर 4 पुट करेंगे तो 3 4 जा 12, 12 माइनस 14 हो जाएगा माइनस 2, यहाँ 4 है तो इसमें भी 9 आ जाएगा। फिर 5 पुट करेंगे, 3 5 जा 15, 15 माइनस 14 हो जाएगा 1, यहाँ 4 है तो ये भी 9 हो गया। फिर 6 पुट करेंगे, 3 6 जा 18, 18 माइनस 14 हो जाएगा 4, यहाँ भी 4 है तो इसमें आएगा येस, दैट मीन्स एक्स का सॉरी एम का वैल्यू हो जाएगा 6, तो देयरफॉर एम इक्वल टू 6 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट द इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The sum of the number x and 4 is 9. X plus 4 equal to 9. ये हो गया आंसर। 2 subtracted from y. Y से 2 subtract कर दिए। Is 8. Is means equal to लगाना है। Third number. 10 times a. 10 times a means 10a. 10 multiply a. इस 70 दिया है इक्वल टू 70 हो गया। फोर नंबर, द नंबर बी डिवाइडेड बाय 5, बी को अगर 5 से डिवाइड करते हैं गिव्स 6, मतलब इक्वल टू 6। फाइव नंबर, 3/4 ऑफ टी, 3/4 ऑफ ए नंबर एक्स, सॉरी 3/4 ऑफ टी इज 15, इक्वल टू 15 हो गया। सिक्स नंबर, 7 टाइम्स m, 7 टाइम्स m मतलब 7m प्लस 7 गिव्स यू 77। सेवन नंबर, 1/4 ऑफ ए नंबर x, 1/4 ऑफ x माइनस 4 गिव्स 4। एट नंबर, इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम ए नंबर फ्रॉम 6 टाइम्स ऑफ y, 6 टाइम्स ऑफ y में से 6 ले लिया मीन्स माइनस कर दिया, यू गेट 60, इक्वल टू 60 हो गया। नाइन नंबर, इफ यू एड 3 टू 1/3 ऑफ जेड, 1/3 ऑफ जेड प्लस 3 यू गेट 30। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म,
अभी जिस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाया है, अब इक्वेशन दिया हुआ है, स्टेटमेंट बनाना है। पी प्लस 4 इक्वल टू 15 है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 4 एडेड टू पी गिव्स 15, या पी प्लस 4 इक्वल टू 15 भी लिख सकते हैं। फाइव का वन पी प्लस 4 इक्वल टू 15 दिया है, उसको स्टेटमेंट फॉर्म में क्या लिखेंगे, द सम ऑफ पी एंड 4 गिव्स 15, ठीक है। सेकंड नंबर दिया है m माइनस 7 इक्वल टू 3, तो 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3, या गिव्स 3 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से जैसे ऊपर का वाला क्वेश्चन बनाया है उसी का उल्टा करना है। क्वेश्चन नंबर 6, सेट अप इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस, इक्वेशन बनाना है। इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमिट हैज, मतलब परमित के पास जितना मार्बल है उससे 7 मार्बल इरफान के पास ज़्यादा है। इरफान के पास कुल मिला के 37 मार्बल्स है। टेक एम टू द नंबर, एम बी द नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट परमित हैज m मार्बल्स, परमित के पास m मार्बल है और इरफान के पास कितना होगा, इरफान हैज, इरफान के पास तो 37 मार्बल है, तो इरफान क्या कह रहा है कि परमित के पास जितना उससे 7 ज़्यादा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इरफान के पास हो जाएगा, परमित के पास 7 मार्बल था तो 7 से और 7 ज़्यादा है, इन दोनों को ऐड करने से कितना होना चाहिए, 37, ठीक है। इरफान कह रहा है कि उसके पास परमित से 7 मार्बल ज़्यादा है। यहाँ पे और एक लिख देता हूँ, इरफान हैज m प्लस 7 मार्बल्स, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि परमित से इरफान के पास 7 ज़्यादा मार्बल है। तो इक्वेशन फॉर्म हो गया, आगे और कुछ करना नहीं, खाली इक्वेशन सॉल्व कर बनाना है। नेक्स्ट, लक्ष्मीज़ फादर इज़ 49 ईयर्स ओल्ड, ही इज़ 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज़ एज, तो लक्ष्मी के पापा लक्ष्मी से 4 ईयर ओल्डर है, लक्ष्मी के एज के 3 टाइम्स से 4 ईयर ओल्डर है, और लक्ष्मी का फादर एक्चुअली है 49 ईयर ओल्ड के। तो हमको इक्वेशन फॉर्म करना है, टेक द लक्ष्मी एज बी वाई ईयर्स, लेट एज ऑफ लक्ष्मी इक्वल टू वाई ईयर्स, ठीक है। लक्ष्मी का एज हमने वाई ईयर मान लिया है, फादर्स एज क्या हो जाएगा, फादर्स एज हो जाएगा लक्ष्मी के एज से 3 टाइम्स से भी 4 ज़्यादा है, 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी एज, लक्ष्मी का एज का 3 टाइम कर तो 3y और उसमें और 4 ज़्यादा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन हो जाएगा 3y प्लस 4, ये फादर का एज, और फादर का एज किसके इक्वल है, 49 का इक्वल है, तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क प्लस 7, हाईएस्ट मार्क जो है वो लोएस्ट मार्क का ट्वाइस से 7 प्लस करने से आता है, हाईएस्ट मार्क जो है हाईएस्ट स्कोर 87 है। तो इक्वेशन फॉर्म करना है, लेट लोएस्ट मार्क इक्वल टू एल, क्वेश्चन में लिखा है एल लेने के लिए तो हम एल ले लेंगे, बाकी कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं। थर्ड नंबर, लेट लोएस्ट मार्क इक्वल टू एल, हाईएस्ट मार्क कितना हो जाएगा, लोएस्ट मार्क का डबल से 7 ज़्यादा है,
तो 2l प्लस 7 है ना, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क, मतलब इसका ट्वाइस, टू टाइम्स प्लस 7। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन HIGHEST, 2L प्लस 7 इक्वल टू 87, ये हो गया हाइस्ट मार्क 87 है, और ये भी हाइस्ट मार्क का ही सॉल्व शो कर रहा है। फोर नंबर, इन एन आइसोसेल ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द अदर द बेस एंगल। तो एक आइसोसेल ट्राइंगल है, आइसोसेल ट्राइंगल किसको बोलते हैं, जिसके दो साइड्स और दो एंगल इक्वल होते हैं, वो आइसोसेल ट्राइंगल है। द वर्टेक्स एंगल जो है वो बेस एंगल के ट्वाइस है। तो लेट बेस एंगल इक्वल टू बी, वर्टेक्स एंगल इक्वल टू 2b। ये है बेस एंगल, ये अगर b है तो ये भी b होगा, और ये वर्टेक्स एंगल है, इसको कितना लिया 2b। अब इस ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो हम तीनों को ऐड कर देंगे, बी प्लस बी प्लस टू बी, बी टू बी प्लस बी प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स बी प्लस बी प्लस बी, टू बी प्लस बी थ्री बी, थ्री बी प्लस बी फोर बी, फोर बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो इक्वेशन बन गया है, आगे का सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, खाली हमको इक्वेशन फॉर्म करना था।